जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। नाम की महिमा अगाध है, इसके अलौकिक सामर्थ्य का वर्णन अशेषतः कोई भी नहीं कर सकता। संत लोग इसकी कुछ महिमा स्वानुभव से कहते हैं और गाते हैं, वही हम लोगों के लिए आधार हो जाता है। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, प्रजापति जब सृष्टि रचते हैं तब नाम की आवृत्ति किया करते हैं और तभी सृष्टि रचना में समर्थ होते हैं। जिन भगवान से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं उन भगवान को ब्रह्मा ने नहीं पहचाना और सृष्टि रचने चले, पर जब सृष्टि रच नहीं सके तब उन्होंने नाम लिया और नाम लेने से सृष्टि रचने में समर्थ हुए। यह नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका आश्रय क्या है, इसके विषय में श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, आकाश को जैसे आकाश का ही आश्रय है वैसे ही इस नाम को नामी का अभेद आश्रय है। आकाश में उदय होने वाले सूर्य ही जैसे सूर्य को प्रकाशित करते हैं वैसे ही भगवान ही अपना नाम व्यक्त करते हैं। इस नाम का आश्रय करके जो भजन कीर्तन या स्मरण किया जाता है उसके विषय में ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, नाम कीर्तन से पापों के प्रायश्चित बतलाने का व्यवसाय ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि नाम संकीर्तन लेश मात्र भी पाप रहने नहीं देता। यम दमादि इसके सामने फीके पड़ जाते हैं, तीर्थ अपने स्थान छोड़ जाते हैं, यमलोक का रास्ता ही बंद हो जाता है। यम कहते हैं हम किसको यातना दें, दम कहते हैं हम किसका दमन करें, तीर्थ कहते हैं हम क्या भक्षण करें, यहाँ तो दवा के लिए भी पाप ताप नहीं रह गया। भगवान नाम संकीर्तन इस प्रकार संसार के दुखों को नष्ट कर देता है कि सारा विश्व आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। नाम संकीर्तन करने वाले भगवत भक्त पौ फटने के पहले ही प्रकाश कर देते हैं, अमृत के बिना ही जिला देते हैं, योग के बिना ही नेत्रों के सामने भगवान को प्रत्यक्ष करा देते हैं और वे राजा रंक में भेद नहीं मानते, छोटे बड़े का विचार नहीं करते, सारे जगत के लिए आनंद धाम बन जाते हैं। वैकुंठ लोक में तो बिरला ही कोई जा सकता है, पर इस नाम संकीर्तन से भगवत भक्तों ने सारे विश्व को ही वैकुंठ बना डाला है। सहस्त्रों जन्म कोई तपस्या करे तब वह भगवान का नाम लेने में समर्थ होता है। जिसके नाम की यह महिमा है वे भगवान बतलाते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कारण भगवत भक्त भगवान के गुणों से इतने तृप्त होते हैं कि वे देश काल को भूलकर भगवान नाम संकीर्तन में ही मग्न रहते हैं। कृष्ण विष्णु हरि गोविंद नाम के ही छंद गाया करते हैं, इसलिए तुकाराम जी महाराज कहते हैं, उठते बैठते भगवान नाम लेने से संसार के दुख छूट जाते हैं, इस लाभ को कोई न छोड़े, इससे भगवान के चरण मिलते हैं। नाम से बढ़कर कोई भी साधन नहीं है, तुम जो चाहे करो पर नाम लेते रहो, इसमें भूल ना हो, यही मेरा सबसे पुकार पुकार कर कहना है। कंठ से नाम उच्चारो तो सामने भगवान खड़े हैं, इसी रीति से उनका ध्यान करो, मन से उनका चिंतन करो। नाम कीर्तन में यही बड़ी सुविधा है कि भगवान जो ब्रह्मादिकों के भी ध्यान में सहसा नहीं आते वे आ जाते हैं। सार वस्तु को ग्रहण करो, मन से हरि रूप को देखो, चारों वेद जिसके लिए हैं उसका नाम कंठ में धारण कर लो। क्यों व्यर्थ के लिए इतने कष्ट उठा रहे हो, अन्य किसी साधन की कोई ज़रूरत नहीं। 18 पुराणों में नाम के सिवा और कोई बात नहीं है। गीता का जिसने उपदेश किया वही इस ईंट पर पंडरपुर के विट्ठल भगवान पधारे हैं। हरि नाम लेते रहो, बस यही सार है। वेदों की वाणी अनंत है पर सार इतना ही है कि श्री विट्ठल की शरण लो और निष्ठा के साथ नाम जप करते रहो।
इस प्रकार नाम की महिमा श्री ज्ञानेश्वर महाराज और श्री तुकाराम महाराज ने अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर गाई है और यही बतलाया है कि नाम से भगवान मिलते हैं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि नाम उच्चारण के द्वारा अखिल संसार को हम सुखमय करेंगे, तीन लोक आनंद से भर देंगे। जो लोग अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हों, वे शास्त्रों और संतों के वचनों पर पूर्ण विश्वास कर अखंड नाम स्मरण करना आरंभ कर दें। भगवान सबको ऐसी ही बुद्धि दे, यही उनके चरणों में मेरी प्रार्थना है, यही उनके चरणों में मेरी प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।